हेलो एवरीवन, माय नेम इज अरमान अंसारी एंड यू आर वाचिंग अरमान अंसारी यूट्यूब चैनल। सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, आप लोगों ने टिकटॉक बैन होने के बाद बहुत सारे एप्लीकेशन तो यूज किए होंगे एंड आप लोगों को बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिले होंगे जो एक टाइप का देखने को मिले होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा वो जो एप्लीकेशन देखने को मिलेगी थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगी, लेकिन जो भी काम करेगी वही आप लोगों को पुराने वाली एप्लीकेशन की तरह ही काम करने वाली है। लेकिन जो भी आप लोगों को ऑप्शन वगैरह देखने को मिलेगी थोड़ी अलग टाइप का देखने को मिलेगा। तो उस एप्लीकेशन का नाम है लोडपोर्ट एप्लीकेशन। तो आप लोग लोडपोर्ट एप्लीकेशन पे अच्छे खासे गाइस फैंस फॉलोइंग भी बढ़ा सकते हो, साथ ही में गाइस आप अच्छे खासे यूज भी कर सकते हो। तो जो मैं आप लोगों को एप्लीकेशन बताने वाला हूँ आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कैसे यूज करना है और साथ ही में कैसे वीडियो को देखना है, कैसे वीडियो को लाइक करना है, कॉमेंट करना है, शेयर करना है, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है लोडपोर्ट ऐप पे। और इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा जो लोडपोर्ट एप्लीकेशन है यह किस टाइप से काम करता है और कैसे इस एप्लीकेशन पे वीडियोस को शूट करना, कैसे म्यूजिक के साथ शूट करना वीडियो को और कैसे अपलोड करना है, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर। साथ ही मैं ये भी बताऊँ कैसे वीडियोस को रैंक कराना है। अगर आप लोग लोडपोर्ट एप्लीकेशन को यूज करो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई और वीडियो शायद ही देखने की जरूरत पड़े। और इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ क्या क्या आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है इस लोडपोर्ट एप्लीकेशन में। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, चलते मोबाइल की स्क्रीन पर। हेलो एवरीवन, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ओपन करते हो लोडपोर्ट एप्लीकेशन को, आपके सामने लोडपोर्ट एप्लीकेशन कुछ इस टाइप का इंटरफेस देकर तो ओपन हो जाती है। लेकिन अगर आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाते हो तो ज़्यादा अच्छे तरीके से चला सकते हो। तो पहले मैं इस एप्लीकेशन में लॉगिन होता हूँ। यहाँ पर गूगल फेसबुक का ऑप्शन है जो आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। गाइस, जैसा कि आप लोग देखते हो मैं लॉगिन हो चुका हूँ। फिर से यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे टैप करूँगा, यहाँ पे मेरा नेम शो हो जाती है। साथ ही में यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं बायो वगैरह, यहाँ पे जो भी वीडियो अपलोड होगी वो यहाँ पे ऐड होती रहेगी, जो भी वीडियो को लाइक करूँगा वो यहाँ पे ऐड होती रहेगी। साथ ही में यहाँ पे जितने लोगों को फॉलोइंग करेंगे वो यहाँ पे शो होगा, फॉलोअर्स होंगे, हर्ट्स होगा। तो यहाँ पे थ्री डॉट पे टैप कर यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे टैप कर एडिट भी कर सकते हैं हम लोग प्रोफाइल। यहाँ पे जैसे टैप करोगे तो आप अपने प्रोफाइल की पिक लगा सकते हो, कोई भी गैलरी में से लेकर लगा सकते हो। तो इसे हम लोग स्किप कर देते हैं। गाइस, आप लगाना चाहो तो लगा लेना। और यहाँ पे अगर आप अपने फ्रेंड के पास अपने अकाउंट को लिंक यानी सेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड पर टैप कर अपने फ्रेंड के पास अपने इस अकाउंट का भेज सकते हो लिंक को। तो इसे हम लोग रहने देते हैं। और साथ ही में यहाँ पे देखने को मिलती है बहुत सारे वीडियोस को, अगर वीडियो को देखना चाहते हो तो देख सकते हो। यहाँ पे लाइक करना चाहते हो तो लाइक के आइकन पर टैप कर लाइक कर सकते हो। कमेंट का ये आइकन देखने को मिलता है, इस पर टैप कर कमेंट कर सकते हो। शेयर करना चाहते हो वीडियो को, इस वाला आइकन पर टैप कर शेयर भी कर सकते हो वीडियो को। और चाहो तो आप गाइस इस एप्लीकेशन में किसी को फॉलो भी कर सकते हो और साथ में वीडियो तो बना ही सकते हो। इस एप्लीकेशन में थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट भी आती है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। साथ में यहाँ पे फॉलो करना चाहो तो इस पर जैसे टैप को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने टैप किया, यहाँ पे जैसे टैप करूँगा तो यहाँ पे फॉलो कर लिया हूँ इनको और यहाँ पे इनकी वीडियो वगैरह देख सकता हूँ, साथ में फॉलोइंग वगैरह भी देख सकता हूँ। तो बैक आ जाते हैं और साथ में इनको फॉलो तो कर लिया हूँ, अब इनकी हमको वीडियो देखनी है। तो फॉलोइंग पे जैसे टैप करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ फॉलोइंग में इन्हीं की वीडियो देखने को मिलेगी, जैसा आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हो। तो कुछ इस टाइप का ही ये एप्लीकेशन काम करता है। इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हो तो फटाक से डाउनलोड कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर वीडियो को रिपोर्ट करना चाहो रिपोर्ट का भी आइकन है, टैप कर रिपोर्ट भी कर सकते हो अपना कोई भी रीज़न देने के बाद। इस एप्लीकेशन में कोई भी अकाउंट को रिपोर्ट भी कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे देखने को मिलते हैं ऊपर में सर्च का आइकन, जैसे इस पर टैप करके सर्च भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपने नेम को सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर जैसे टैप करते हो यहाँ पे यूजर को सर्च कर सकते हो, वीडियोस को सर्च कर सकते हो, म्यूजिक को सर्च कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे बैक आ जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे देखने को मिलते हैं बहुत सारा हैशटैग को, तो इस हैशटैग को यूज़ करना जब वीडियो बनाना तो ही आपकी वीडियो सबसे ज़्यादा रैंक भी करेगी। अगर वीडियोस को क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे प्लस आइकन पर टैप कर वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ऐड साउंड पर टैप कर यहाँ पे आप लोगों को डिस्कवर में बहुत सारे साउंड देखने को मिल जाएगी, इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे फेवरेट में जाकर आप जो भी वीडियो को की सॉन्ग को यानी गाइस फेवरेट लिस्ट में ऐड कर वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि मुझे इस म्यूज़िक को लेना है तो इस पर जैसे टैप करूँगा, अभी यहाँ पे टिक करने को ऑप्शन आएगी, उस पर टैप करना है। यहाँ पे कैमरा को फ्लिप करने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं जो आप कैमरा को फ्लिप कर सकते हो। साथ में यहाँ पे फ्लैश को ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन है। यहाँ पे टाइमिंग को देखने को मिल जाती है ऑप्शन, जो आप टाइमिंग सेट कर सकते हो जितने तक वीडियो देर तक शूट करना चाहते हो। साथ ही में इस वाले आइकन पर टैप कर वीडियो को शूट कर सकते हो। यहाँ पर देखते हो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर इसे ऑफ करना चाहो तो फिर से एक बार इस पर टैप करना है
है तो ही यहाँ पे वीडियो की जो होती है गाइज वो स्टॉप हो जाएगी रिकॉर्डिंग, और टिक का ऑप्शन पे टैप करके अपलोड भी कर सकते हो। अपलोड का ऑप्शन पे टैप करने के बाद गाइज आप गैलरी में से भी अपलोड करना चाहो तो अपलोड कर सकते हो। तो इसे रहने देते हैं, आप अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं गैलरी में से ही एक कोई वीडियो ले लेता हूँ, जैसे कि इस वीडियो को ही मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो गाइस नेक्स्ट ऑप्शन पे टैप करना है। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन पे टैप करूँगा यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो फिल्टर को, फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे टैप करूँगा, और यहाँ पे जैसे नेक्स्ट ऑप्शन पे टैप करूँगा गाइस तो मैं वीडियो को अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको करना है कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लेना है, जो भी आप लिखना चाहो। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन जैसे लिख लेता हूँ यहाँ पे गाइस हैशटैग को भी यूज करना है तो ही मेरी वीडियो रैंक करेगी। तो मैं यहाँ पे हैशटैग लगा लेता हूँ, जो आप कॉपी पे लिखे हो उसी को ही यहाँ पे यूज करना, फॉर यू पेज। एक हैशटैग और यूज कर लेता हूँ यहाँ पे लोड पोर्ट, और इस हैशटैग को यूज़ करने के बाद यहाँ पे ड्राफ्ट में भी डाल सकते हो वीडियो को, या पोस्टर कर सकते हो वीडियो को। तो पोस्ट में मैं डाल दिया हूँ यहाँ पर, एक तो अपलोडिंग हो रही है, तो अभी अपलोडिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर ड्राफ्ट में से वीडियो हट जाएगी और अपलोडिंग आ जाएगी। तो इस टाइप से आप वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप का ही एप्लीकेशन काम करता है, देखने में काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, लेकिन इस एप्लीकेशन थोड़ा सा नेट भी ज़्यादा लगता है। तो मैं एक तरह से कहूँगा आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आपकी मर्ज़ी यूज़ ना करना चाहो तो ना यूज़ करो। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाती है। हे गाइस, अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक कंप्लीट देख लियो तो आप लोगों को लोड पुट एप्लीकेशन से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो मिल गई होगी, लेकिन आप लोगों को इतना नहीं पता चला होगा कि इस एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आपके सामने वो प्रॉब्लम आई होगी, उस प्रॉब्लम का फेस तो करना पड़ा होगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम पता नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस एप्लीकेशन में आप लोगों को बहुत सारे बग्स देखने को मिल जाते हैं, और बहुत सारे इस एप्लीकेशन में ग्लिच भी होती है। और इतना ही, जो लोड पुट एप्लीकेशन देखने को मिलता है, ये एप्लीकेशन बहुत ही धीरे काम करती है, क्योंकि ये एप्लीकेशन अभी न्यू है और इतना अट्रैक्टिव भी ये एप्लीकेशन नहीं है। इसमें अभी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा रहा है, लेकिन गाइस आप लोग थोड़ी बहुत इसमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। और आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं लिंक दे दी हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। और चाहो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कर सकते हो। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको और भी ऐसे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखने के बाद साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट भी कर लेना। अगर मुझसे पर्सनल बातें करना चाहते हो तो गाइस मुझसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। साथ ही गाइस, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में आकर एंड्रॉइड एप्स या एंड्रॉइड गेम्स को नहीं बताया तो आप बता सकते हो, जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो में आप लोगों को शाउट आउट भी दूंगा। अगर आपका जो भी ओपिनियन है इस एप्लीकेशन से रिलेटेड वो मुझसे कमेंट में बता सकते हो। साथ ही अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो भी मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में ही। अगर मेरी कुछ वीडियो को देखना चाहते तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ वीडियो के आई बटन में वीडियो के लास्ट में ऐड के वहां जाकर मेरी कुछ वीडियो को देख सकते हो। तो गाइस मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।